गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट. दिस इज योर ईवीएस क्लास. आई एम योर ईवीएस टीचर. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी योर चैप्टर 11. इसका फर्स्ट पार्ट हमने आपको शेयर कर दिया था. अब आपका इसका सेकेंड पार्ट है जो कि पेज नंबर आपका है इसमें 67. ओके, चलिए. आपका जो टॉपिक है वो है सेव वाटर. उसमें आपको कुछ पॉइंट्स पढ़ा दिए गए थे सेव वाटर में, कि हम कैसे अपने वाटर को सेव कर सकते हैं. तो रिपेयर ड्रैपिंग टैप्स के थ्रू हमारा जो टैप है, जो नल है, उसको रिपेयर करके, अगर वो क्या कहते हैं, अगर लीक हो रहा है, टपक रहा है, उसमें से ड्रैपिंग हो रही है, तो हम उसको रिपेयर करा के अपने वाटर को सेव कर सकते हैं. सेकेंडली, डू नॉट लीव द टैप ओपन वाइल ब्रशिंग योर टीथ. जब हम ब्रश कर रहे होते हैं तो हमें उस टाइम में अपने टैप को ना ओपन नहीं रखना चाहिए. इट मीन्स ये नहीं है कि हम ब्रश कर रहे हैं और हमारा टैप ना ओपन है तो हमारा जो वाटर है वो वेस्ट फ्लो होगा. हमें उस टाइम ना उसको टर्न ऑफ कर देना चाहिए. ओके, यूज़ वाटर फ्रॉम अ बकेट टू टेक अ बाथ. जब आप बाथ ले रहे हैं तो हमें जो वाटर है उसको बकेट से यूज़ करना चाहिए. ऐसा नहीं है आप शॉवर से बाथ ले रहे हैं. हमें बकेट में पानी लेना चाहिए, उसके बाद उस अपने यूज़ करना चाहिए. वॉश योर कार विद अ बकेट ऑफ वाटर एंड नॉट विद अ हाउस पाइप. वॉश योर कार, हमें अपनी जो कार को है ना उसको वॉश करना चाहिए विद अ बकेट के से ऑफ वाटर, पानी बकेट में पानी लेके, एंड नॉट विद अ हाउस पाइप. हाउस पाइप से नहीं करना चाहिए. ओके, क्योंकि पाइप में पानी हमें आइडिया नहीं होता और हम उसको चलाते रहते हैं. बकेट के पानी से हमें हमारा पानी कम यूज़ होता है. यूज़ किचन वाटर फॉर वाटरिंग द प्लांट्स. यूज़ किचन वाटर हमें यूज़ करना चाहिए फॉर वाटरिंग द प्लांट्स. प्लांट्स को पानी, प्लांट्स में पानी देने के लिए हमें क्या होना चाहिए, किचन का जो पानी होता है हमारा उसको हम यूज़ कर सकते हैं. किचन के पानी का जो हमारा सिंक का पाइप है उसको हम अपने प्लांट्स में लगा सकते हैं, और जब भी हम सिंक में कोई भी पानी जब हम उसमें डालेंगे तो वो पानी सीधा हमारा प्लांट्स में जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका सॉइल पॉल्यूशन. सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है? व्हेन हार्मफुल वेस्ट आर मिक्स विद सॉइल. जब कोई हार्मफुल वेस्ट होता है, जो नुकसानदायक होता है, वो सॉइल के साथ जब मिक्स हो जाता है, दिस स्पॉइल द सोइल एंड कॉज सोइल पॉल्यूशन. तो वो क्या करता है, हमारी स्पॉइल, हमारी जो मिट्टी है सोइल को, उसको स्पॉइल कर देते, ख़राब कर देते हैं, और सोइल पॉल्यूशन बन जाता है, यानी कि मृदा प्रदूषण बन जाता है. एनी थिंग दैट इज लेफ्ट ओवर एंड नॉट यूज इज थ्रोन एज वेस्ट. एनी थिंग दैट इज लेफ्ट ओवर, जो भी कोई चीज़ें हैं एंड नॉट यूज इन थ्रो एज वेस्ट, जो हम जिनको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं उनको फेंक देते हैं वेस्ट करके. दीज वेस्टेज कैन बी फ्रॉम आवर होम्स. और ये जो वेस्टेज चीज़ें होती हैं वो हमारी कहाँ से निकलती है? हमारे घर से निकलती है, फैक्ट्रीज से निकलती है, एंड एग्रीकल्चर फील्ड से निकलती है. ओके, देयर इज सो मच वेस्ट एंड सो लिटिल स्पेस टू थ्रो इट. देयर इज सो मच वेस्ट, हमारे बहुत ऐसे बहुत सारे वेस्ट होते हैं, एंड सो लिटिल स्पेस टू थ्रो इट. और बहुत हम जो उनको वेस्ट करते हैं उनके लिए बहुत थोड़ा सा हमारे पास स्पेस है, हमें उनको वेस्ट कर देते हैं हम उसको. बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. अब हमारे हम वेस्ट में डिस्कस करेंगे. हमारे टू टाइप्स के वेस्ट होते हैं, एक होता है हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और दूसरा सेकेंडली होता है हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. तो चलो ये डिस्कस करते हैं ये क्या होता है. सम ऑफ दीज वेस्ट लाइक वेजिटेबल्स पील्स. कुछ जो वेस्ट होते हैं जैसे लाइक एज वेजिटेबल पील्स, हमारी वेजिटेबल्स के जो छिलके होते हैं. फ्रूट्स एंड न्यूज़पेपर डिकाय क्विकली एंड मिक्स विद सॉइल. फ्रूट्स होते हैं, न्यूज़पेपर होता है हमारा, फ्रूट्स के छिलके, न्यूज़पेपर डिकाय क्विकली एंड मिक्स विद सॉइल. ये क्या होता है, ये जल्दी ही सॉइल में, हमारी मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं. दीज आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. तो ये क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आता है, ये हमारी मिट्टी में मिल जाते हैं और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आते हैं. ऑल द फूड वेस्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, पेंसिल्स, शेविंग्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन डंग आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. और भी चीज़ें इसमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आती है, जैसे कि ऑल द फूड वेस्ट, जितना भी फूड हमारे बचे हुए जो खाने का वेस्ट होता है वो, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हैं हमारे, पौधों के जो भागे से पत्ती है, लकड़ी है, और जो भी उसका पार्ट्स है, उसके फ्रूट्स वगैरह हैं जो ख़राब हो जाते हैं वो. पेंसिल शेविंग्स, जब आप पेंसिल को शार्प करते हैं तो उससे जो हमारा जो निकलता है कचरा वो. एनिमल्स एंड ह्यूमन डंग, एनिमल जानवर भी, जब जानवर मर जाते हैं वो, एंड ह्यूमन डंग, और जो आदमी का जो डंग होता है, यानी कि आदमी जो
उसके शरीर से जो निकलता है वेस्ट, यानी कि फ्रेश होने जाते हैं, तो आदमी का डंग होता है, पॉटी वगैरह जो भी होती है हमारी, और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, वो सब हमारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी रिसाइकल एंड मैनर। बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होता है वो उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, दोबारा से उनको हम यूज में ला सकते हैं, रिसाइकल करके उसमें बदलाव करके। वेस्ट इज कलेक्टेड इन कंपोस्ट पिट्स। वेस्ट जो होता है ना उसको हम कलेक्ट कर लें, इकट्ठा कर लें कंपोस्ट पिट में, एक कंपोस्ट पिट बना लें, गड्ढा बना लें उसमें। वॉर्म्स ईट अप द गार्बेज टू क्रिएट रिच मैनर। जो वॉर्म्स होते हैं, जो कीड़े होते हैं, जो जमीन के कीड़े होते हैं, ईट अप द गार्बेज, वो गार्बेज को खाते हैं टू क्रिएट रिच मैनर, और उसमें उसको कीड़े उसको खा लेते हैं टू क्रिएट, उसमें बनाने के लिए रिच मैनर, उसमें बनाने के लिए। वेस्ट दिखाए विद इन 45 days टू 90 days। जो वेस्ट होता है उसको कम से कम 45 to 90 days चाहिए, एंड फॉर्म्स नेचर, अपने मैन्योर फॉर्म्स में आने के लिए उसको इतना टाइम चाहिए। मैन्योर इज एडेड टू सोइल। मैन्योर जो होता है वो सोइल में ऐड किया जाता है। प्लांट्स ग्रो वेल इन दिस सोइल। और फिर उसमें क्या होता है, हम इस सोइल में, इस मिट्टी में हम क्या कर सकते हैं, प्लांट्स को भी ग्रो कर सकते हैं, प्लांट्स को लगा सकते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन ऑल्सो बी रिसाइकल। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है वो भी हमारा रिसाइकल हो सकता है। द वेस्ट इज ट्रीटेड सो दैट इट कैन बी रियूज। जो वेस्ट है इज ट्रीट किया जाता है सो दैट इट कैन बी रियूज। जो वेस्ट हमारा, उसको जो जिस वेस्ट को हम रियूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे न्यूज़पेपर है, आर रिसाइकल टू मेक न्यू पेपर। न्यूज़पेपर जो है वो रिसाइकल कर सकते हैं हम उसको दोबारा से पेपर बनाने के लिए। प्लास्टिक इज रिसाइकल टू मेक चीप बकेट्स। प्लास्टिक को हम रिसाइकल कर सकते हैं, यानी ये जो पुरानी प्लास्टिक है, जो हमारी टूटी फूटी वेस्ट प्लास्टिक है, तो हम मेल्ट करके दोबारा से नई प्लास्टिक बना सकते हैं, उससे चीप बकेट्स बन जाएंगी, मग्स एंड टॉयज बन सकते हैं। एंड ग्लास इज रिसाइकल टू मेक न्यू ग्लास ऑब्जेक्ट्स। और ग्लास भी हमारा रिसाइकल है, हम उससे न्यू ग्लास ऑब्जेक्ट या और भी कोई सामान बना सकते हैं। मेटल एंड रबर आर ऑल्सो रिसाइकल। और जो मेटल और रबर है वो भी हमारी रिसाइकल में आती है, ठीक, यानी कि हम उसको वेस्ट से जो हमारी खराब हो जाती है उससे हम दोबारा से नई बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे रहते हैं। एवरी स्टूडेंट प्लीज टर्न योर पेज। व्हाट डू यू डू विद, हम इनके साथ क्या कर सकते हैं, व्हाट डू यू डू विद, हम द न्यूज़ पेपर दैट कम्स टू योर हाउस एवरी डे, वो न्यूज़ पेपर जो आपके घर पे डेली आता है, सॉरी, ब्रोकन ग्लास मग प्लेट एंड कप। ब्रोकन ग्लास हमारा जो टूटा हुआ ग्लास है, मग है, प्लेट है एंड कप है हमारा। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील्स के साथ हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए उसको बताना होगा, व्हाट डू यू डू विद द न्यूज़पेपर दैट कम्स टू योर हाउस एवरी डे, हमारे घर पे जो डेली न्यूज़पेपर आता है उससे को हम दोबारा रिसाइकल करके एक नया न्यूज़पेपर बन सकता है, वो हमारी ब्रोकन ग्लास मग प्लेट एंड कप। हमें जो हमारे टूटे हुए ग्लास है, मग है, प्लेट है, कप है, इसको वापस, ये हमारा वेस्ट में आ जाता है, ब्रोकन है, उससे वापस से रीयूज करके हमारा नई ग्लास मग प्लेट का बन सकती है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के पील्स को, वो क्या हमारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं, वेस्ट हैं वो, उसको हम कंपोस्ट पिट में कर सके, अपने लिए यूज, उससे नेचुरल गैस बना सकते हैं, कंपोस्ट गैस बना सकते हैं। द पॉली बैग्स एंड ओल्ड प्लास्टिक बॉटल से क्या होता है, पॉली बैग्स और जो ओल्ड प्लास्टिक बॉटल है, ये हमारे लिए सबसे मेन पॉल्यूशन का सबसे बड़ी रोल इसमें है, इसका पॉल्यूशन में, पॉली बैग्स का एंड प्लास्टिक बॉटल्स का, इससे सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो ये हमारा बिल्कुल भी बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ओल्ड टूथब्रश इज एम्पटी टूथपेस्ट ट्यूब एंड शैम्पू बॉटल्स। ओल्ड टूथब्रश है, एम्पटी टूथपेस्ट है, ये भी हमारा सब यूज़ हो सकता है। ओल्ड क्लॉथ्स एंड शूज़ यू नो लॉन्गर यूज़। पुराने कपड़े और जूते जो तुमने ज़्यादा यूज़ नहीं करे, ये भी हमारे रिसाइकल हो सकते। नेक्स्ट देखिए, हाउ कैन बी सेव द एनवायरमेंट। हम अपने एनवायरमेंट को कैसे सेव रख सकते हैं, ओके, हाउ कैन बी सेव द एनवायरमेंट। वी कैन हेल्प इन सेविंग अवर एनवायरमेंट। ओके, वी कैन हेल्प इन सेविंग अवर एनवायरमेंट। हम अपने एनवायरमेंट की
को सेव करने में हेल्प कर सकते हैं बाय फॉलोइंग द 3 आर्स के 3 आर्स जो है हमारे उनके थ्रू हम उनको सेव कर सकते हैं. व्हाट आर द 3 आर्स? ये जो हमारे 3 आर्स हैं वो कौन से हैं? देयर आर, वो कौन कौन से हैं? 3 आर यानी RS, यूज, रिड्यूस एंड रिसाइकल. रियूज, कोई भी चीज़ उसको दोबारा से यूज में लेना. रिड्यूस, रिड्यूस क्या होता है? तो उसको हमें रिड्यूस करना, उसको नष्ट करके दोबारा से नई चीज़ बनाना. और रिसाइकल, रिड्यूस. यूजलेस, चूज द थिंग्स दैट कैन बी यूज अगेन. यूजलेस जो चीज़ें होती है जो हमारे लिए जिनका यूज नहीं रहता है, चूज द थिंग्स दैट कैन बी यूज अगेन. उन चीज़ों को चुनना, उनको दोबारा से यूज में लेना. फॉर एग्जाम्पल, यूज क्लॉथ्स, यूज करे हुए कपड़े, टॉवल्स, हैंडकरचीफ, यूज करे हुए की बात हो रही है ये सारी, इंस्टेंट ऑफ टिश्यू पेपर. ओनली बट ओनली बाय वॉट यू नीड. ये तभी खरीदे जब आपको नीड हो. ओके. रीयूज क्या होता है? फाइंड न्यू वे टू यूज थिंग्स बिफोर यू थ्रो दैम. फाइंड, ढूंढो न्यू वेज, नई चीजें टू यूज थिंग्स बिफोर यू थ्रो दैम. आपको मतलब जब आप उन चीज़ों को फेंक रहे हो तो उनमें नई चीज़ें ढूंढो. फॉर एग्जाम्पल, ओल्ड टेक्स्ट बुक्स कैन बी गिवन टू द लाइब्रेरी, और ओल्ड टॉयज एंड क्लॉथ्स कैन बी गिवन टू ऑर्फनेज और चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन. देखिए कैसे हम उन चीज़ को, जब हमारी जो हमारी चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं हमारे लिए, हम उनमें क्या ढूंढते हैं? नया रास्ता ढूंढना चाहिए. जैसे कि हमारी जब पुरानी बुक्स, हमारी बुक्स पुरानी हो जाती हैं तो हम उसको क्या कर सकते हैं? ओल्ड बुक्स को दे सकते हैं लाइब्रेरी में. ओके, सॉरी. हमारी जो वेस्ट चीज़ें हैं उनको हम लाइब्रेरी में दे सकते हैं, और जो हमारे पुराने टॉयज हैं उनको हम ऑर्फनेज में यानी कि अनाथालय में दे सकते हैं, जिससे कि लाइब्रेरी में देंगे तो आपके पढ़ने के बाद उससे बहुत सारे स्टूडेंट्स उससे पढ़ सकते हैं. और हम अगर यूज़ करे हुए टॉयज अपने ऑर्फनेज में देते हैं, अनाथालय में देते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो हमारे अनाथ बच्चे हैं जो उसमें रह रहे हैं वो आपके टॉयज से वो भी खेल सकते हैं. ओके. नेक्स्ट देखते हैं, ऑर्फनेज एंड चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में भी. अगर कोई भी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें दान से कोई भी दान दिया जाता है ना, आप उसमें भी दे सकते हैं. दे कैन बी यूज बाई द नीडी. तो वो जो चीज़ें होती हैं वो नीडी लोगों के थ्रू यूज होंगी. जो नीडी पर्सन है, जिसको ज़रूरत है, ज़रूरतमंद आपकी वो चीज़ें यूज़ करेगा तो आपको तो वो और अच्छे से और ज़्यादा यूज होंगी. ओके. रिसाइकल क्या होता है? एज डिस्कस अबव, वेस्ट कैन बी रिसाइकल टू बी यूज अगेन. एज डिस्कस्ड अबव, वेस्ट कैन बी रिसाइकल टू यूज अगेन. रिसाइकल कैसे क्या होता है? जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि वेस्ट कैन बी रिसाइकल, हम किसी भी वेस्ट को रिसाइकल कर सकते हैं, दोबारा से हम उसको रिसाइकल नया करके उसको यूज में ले सकते हैं. रूल्स यू शुड फॉलो टू कीप द एनवायरमेंट क्लीन. हमें वो रूल्स फॉलो करने चाहिए जिससे हमारा एनवायरमेंट क्लीन रहे, हमारा यानी कि पर्यावरण साफ रहे. सेपरेट वेस्ट इंटू टू ग्रुप्स, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. हमारा जो वेस्ट होता है हमें दो ग्रुप में रखना चाहिए. एक होता है हमारा बायोडिग्रेडेबल और दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो मैंने आपको समझा दिया क्या होता है. डू नॉट लेटर लेटर हमें डू नॉट लेटर हमें जो हमारा वेस्ट है उसको ऐसे ही उल्टी सीधी जगह पर नहीं डालना चाहिएगा. पुट वेस्ट इंटू द डस्टबिन, नॉट ऑन द रोड्स और योर सराउंडिंग्स. हमें जो वेस्ट होता है वो हमें डस्टबिन में ही डालना चाहिए, ऑन द रोड्स पे और रोड के किनारे पे नहीं डालना चाहिए, या अपनी सराउंडिंग जो आपके आसपास का एरिया है उसमें भी नहीं डालना चाहिए. ओके. डू नॉट, सॉरी, ये तो हो गया डू नॉट लेटर, हम इसको जलाना नहीं चाहिए. तो स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर 11 है, कंप्लीट हो गया. आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा आपको चैप्टर हमारा. और आपको उस वीडियो को अच्छे से देखना है और समझना है. ओके, थैंक यू.